दीप कर रहे कमल, हैं जी। जानकार व्यक्ति के साथ, जानकार राजनेता के साथ चर्चा करने का मजा ही एक अलग है, पर हम यहाँ मजा लेने के लिए तो बैठे नहीं हैं। और आप खेती किसानी को समझते हैं, जो ये धान लगाए हुए किसान थे और रेत और गाद भर गई उनके खेता में, 70% तो उनकी लागत लग ली थी, गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं, जहां बढ़ा चढ़ा कर बोल रहा हूं आप बता दीजिएगा मुझे। पहले तो वो वा भरपाई करनी पड़ेगी, उसके बाद वे दोबारा तो लगावे धान, जितना भी पछेताई सही, जितनी भी आएगी पैदावार। ये मामला कि 15 तारीख को कर देंगे, कद नौमण तेल होगा, कद राधा नाचेगी, किसान इंतजार करता रह जाएगा। नहीं नहीं, 15 सितंबर से आगे डेट बिल्कुल भी नहीं जाएगी। आप 16 सितंबर को मुझे संपर्क कर लीजिएगा, मैं आपके सामने मैं बताऊंगा कि हमने किस तरीके से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया। खून देगा वो, कड़े इंतजाम करेगा। सवाल तो ये है ना, 15 तारीख का इंतजार करे कि जी चेक होगा। संदीप जी, अगर खेत में गाद भरी हुई है, रेत भरा हुआ है, तो उसका पानी तो बहन वापिस जाने का वक्त लेना पड़ेगा ना, कि जब खेत से पानी पीछे चला जाएगा तभी तो उसमें से रेत और गाद निकलेगी। वो अभी काम शुरू हुआ है, अब हरियाणा में लगभग किसी खेत में पानी नहीं भरा है। अब जिन जो जो किसान ये मांग करते हैं कि उनकी रेत सरकार उठाए, उन सारे किसानों के खेतों में से रेत सरकार उठवाएगी, उसको बिकवाएगी और उसका एक तिहाई हिस्सा किसान के खाते में देगी। और जिन किसानों के साथ रेत वाली प्रॉब्लम नहीं है लेकिन उनकी धान की फसल डूब गई, पूरे तरीके से डूब गई, ऐसे कि दोबारा उस इस सीजन में खेती नहीं हो सकती, उस पर उनको 15,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा देंगे। जिनका उससे थोड़ा कम है उनको 12,000 रुपए और जिनका उससे कम है उनको 9,000 रुपए। इसमें भी खेल होता है ना। खराबा कितना किसान बताता रह जाएगा, मेरा खराबा इतना माना नहीं जाता। मैं आपको संदीप जी, खराब इसी से जुड़ी है, आपने बिल्कुल अच्छा सवाल किया और ये बड़ी समस्या थी कि किसान के खेत में नुकसान हो गया, खराबा हो गया, अब वो पटवारी के पास जाए, तहसीलदार के पास जाए, किसके डीसी के यहाँ किसके पास जाए कि उसकी फसल में कोई अफसर आकर खड़ा हो और आकलन करे उसका। हरियाणा सरकार ने पिछले 3 साल से पहली बार सेल्फ डिक्लेरेशन क्षतिपूर्ति पोर्टल हरियाणा सरकार का खोलिए, उस पर खेत में खड़े होकर उसकी जियो टैगिंग जियो लोकेशन ऑन कीजिए और अपने खेत की फोटो खींचिए और कहिए कि मैं इस खेत के में अंदर खड़ा हूं, यहां पर मेरे यहां पे 50% नुकसान हुआ, 100% नुकसान हुआ। अब उसको वेरिफिकेशन कौन करेगा? उसको वेरिफिकेशन करेगा उसी के गांव का एक लड़का, एक युवक जिसका नाम है क्षतिपूर्ति सहायक। वो हरियाणा सरकार ने पहली बार इस साल से डिप्यूट किया है कि उसी के गांव का लड़का युवक जो है उसको वेरीफाई करेगा और उसकी रिपोर्ट बनाकर जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है उनके अधिकारियों को देगा और वहां से वेरीफाई होते ही जितनी उन्होंने कही होगी कि हमारे यहाँ पर इतना नुकसान हुआ है, उतना नुकसान का उनको भरपाई की जाएगी। गांव का लड़का ही वेरीफाई करेगा और किसान खुद अपने खेत में खड़े होकर डिक्लेयर करेगा कि मेरे यहाँ पर जो है खराबा हुआ है और मुझे मुआवजा चाहिए। मेरे ख्याल से इससे ज्यादा प्रो फार्मर जो क्षतिपूर्ति का काम है, जो मुआवजे का काम है, वो अब तक किसी राज्य में नहीं हो रहा है। आपने बड़ा दावा किया है और मैं तो इससे भी ज्यादा, सुनिए ना, सुनिए उनको, आपने बड़ा दावा किया है, इससे अच्छा प्रो फार्मर इनिशिएटिव नहीं हो सकता। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP News, आपको रखे आगे।